हाय शिफाली, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, 2023 पूरा चला गया। जनवरी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्लॉग एक बार फिर से, ये सोच के कि इस बार पूरे साल कंटिन्यू करेंगे। बट चाहे कुछ भी बोलो, सब कुछ एक्सक्यूज लगता है, बट हाँ, सिचुएशंस ऐसी रही कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर से आई थिंक मई या अप्रैल के बाद, मई या अप्रैल लाइट ऑन करो तो ये वाली अंधेरा आ रहा है। ये देखो, ये मेरे इमोशन के बीच में इनको लाइट इम्पोर्टेंट है, लाइट ऑन करो। इंसान है यार। टेक्निकली हम लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 के 7-8 दिन निकल गए, तो अब वापस ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यार लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है। सब कुछ सीरियस काम, ऑफिस में एकदम सीरियस, घर पे आके सीरियस, काम करो शूट करो, काम करो शूट करो, खुद की लाइफ को एंजॉय करना भूल गए। तो ब्लॉगिंग के चक्कर में आई थिंक कि लाइफ थोड़ी और ज़्यादा एंटरटेनिंग बन जाती है। सो अभी हम लोग वापस ब्लॉग शुरू करके खुद की लाइफ को एंटरटेनिंग बनाने की एक और कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा था हमारा कॉन्टेंट हिंदी में बनाए या इंग्लिश में बनाए, बिकॉज वी हैव वेरी गुड सर्विसेज टू गिव। हिंदी में बनाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा ये वो, तो दोनों में कंटेंट बनाना चाहिए। इमोशनल कंटेंट कैसे बनाए, पर्सनल लाइफ कैसे शेयर करें, तो ये देखा कि अगर आपको इमोशनल कंटेंट बनाना है तो जो लैंग्वेज आपके हार्ट के सबसे क्लोज है आप उसी लैंग्वेज में बनाओ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु, तमिल, व्हाटएवर, ठीक है। और अगर आपको नॉलेज देनी है और थोड़ा ऐसा इंटेलिजेंट वाली बातें करनी है तो इंग्लिश में बोल सकते हो, दैट इज़ ईजियर। अब देखो ये मेरे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, ये है ये देखो कितना पैसा है यूट्यूब पे, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बहुत कैलकुलेशंस करता रहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स कितना पैसा कमाते हैं और कौन से बंदे को कितने व्यूज मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो शिफाली, रिएक्शन और ब्लॉग के बारे में तुम क्या बोलती हो? कुछ नहीं, बस करो, स्टार्ट करो, करो व्लॉगिंग, करो रिएक्शन, एंजॉय करो। आप खुद एंजॉय करोगे आपकी लाइफ तो लोग भी आपको देख के एंजॉय करेंगे। तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। नहीं लग रहा तो इट्स योर प्रॉब्लम, बट आई एम एंजॉयिंग, मेबी नॉट मच एज आई वाज एंजॉयिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ 2023 जनवरी, बट या आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग अगेन। Hope so with the vlogs. Pimple हो गया मुझे कल पाँव में यार, इतने भयंकर वाली पीला पीला पिंपल, उनको क्या दिखा रहे हो, फूल गया, इसको फोड़ना पड़ेगा मुझे, पता नहीं मीठा खाने की वजह से हुआ या मे भी। इधर बीच मैंने ईशा वाले लड्डू कुछ ज़्यादा खा लिए, या फिर किसी और चीज़ से भी हो सकता है बाहर के खाने से।